मैं मौजूद हूँ हरिद्वार में, क्योंकि आज है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस योग दिवस में अगर योग को लेकर कोई नाम आपके जहन में आता है तो वो एक नाम है, वो है स्वामी रामदेव जी का। और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, किसी परिचय के मोहताज नहीं। योग को कहां से कहां पहुंचाया है आपने, और उसके लिए सब कोई आपको धन्यवाद भी कर रहा है, क्योंकि अब केवल भारत में ही नहीं विश्व में ही योग जो है मनाया जा रहा है। योगा फॉर सोसाइटी एंड योगा फॉर यूनिवर्स। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आज के इस अभिनंदन के लिए कि आज योग का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ दिया, और योग से वो हो गया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। अब लोग कहते हैं बाबा बड़बोला नहीं, अरे बाबा बड़बोला नहीं है, योग बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, योग लोगों की जिंदगी से बोल रहा है, हिंदू मुसलमान की जिंदगी से बोल रहा है। ये जो लोग बैठे हैं ना अभी, हरभजन ऐ साडा पंजाबी बुजुर्ग है, ओ इसको जो कैंसर रोग हुआ था ये तो हिंदी भी जानते नहीं, ए फॉलो करते करते चंगे हो गए। कितो हुआ था कैंसर पेट विच? हां जी पिते जी कैसे हुई लीवर में। पापा का नाम हरभजन सिंह है, हम पंजाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। मैं इनकी बेटी। पापा को 2020 में कैंसर हुआ था लीवर का, उस टाइम में कोरोना काल था। हम एक बार एक डॉक्टर के पास तो चले गए, उन्होंने बोला 2.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। अब ये डर गए और बोले जीने की कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। अब योग करके कितने दिन में ठीक हो गए? योग करके 3 महीनों में। 3 महीने कैंसर को हराया, कैंसर को। और ये इसको कौन सा कैंसर था? मेरे ब्लड कैंसर था, CML लिकोमिया। ब्लड कैंसर के लिए तो कहते हैं इसका इलाज नहीं, नहीं इलाज नहीं। मैंने 6 महीने में कवर किया है, मेरे साथ सब कवर किया। और क्या खाया था? मैंने एक तो उपवास किए थे, उपवास किया, और यहाँ की जो डाइट थी उबाली हुई सब्जी उबाली हुई वही करता था। और सुबह 5 किलोमीटर घूम के आता, 1 किलोमीटर दौड़ता और 4 किलोमीटर घूम के आता। गोधन अरक देसी गाय का परमानेंट पीता हूं। आंवला एलोवेरा गिलोई परमानेंट। ये जो साधारण चीजें हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अपने घर में गाय का गोमूत्र ले लो, आंवला एलोवेरा घर का पी लो। मैं साला से हूं, राजस्थान से। मेरा नाम है बुद्धाराम, साला से बालाजी राजस्थान से। बुद्धाराम सुद्धाराम हो गया। ये मुस्लिम बैठा है, इसने क्या ठीक किया? हेपेटाइटिस बी। इसकी बेगम बैठी है, अस्थमा ठीक किया। खड़ी तो हो, कौन कहता है योग से मजहब जुड़ा है? देखो जय हो मेरी बहन। अब ये देखो अस्थमा जो कहते हैं दम के साथ जाता है, इसने हेपेटाइटिस बी ठीक कर लिया। और ये टीवी पे देख देख के, बाबा जी का यहाँ मिला भी नहीं था, मैं टीवी पे देख के ठीक हो गया। और ये देखो ये बैठी है, ये आई है ऑस्ट्रेलिया से गायत्री। कितनी जगह कैंसर फैल गया था? मेरा ना ब्रेन के सिवा पूरा बदन में चला गया था, लिवर पूरा बॉडी, ब्रेन को छोड़ के पूरे बॉडी। हाँ, बोन लिवर लिम्फ नोड्स ब्रेस्ट पूरा फैल गया था। तो योग पे भरोसा कैसे हुआ? बाबा जी को देख के भरोसा हो गया? हाँ, बाबा जी को यूट्यूब में देखते थे, तभी से फॉलोअर है, योगा करते थे। वहाँ के डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दिया था मेरे, मैंने ऑस्ट्रेलिया में ट्रीटमेंट लिया था। तो रेडिएशन क्यूमो टारगेटेड क्यूमो भी लिया, बोलो ये कोई काम नहीं कर रहा। कितने दिन लिया था यहाँ पे? वहाँ पे तो 7-8 मंथ्स का ट्रीटमेंट चला था। मंथ में टारगेटेड क्यूमो लेकर के भी ठीक नहीं हुई, और यहाँ 14 दिन रही थी। यहाँ पूरा नेचुरोपैथी का और योग का सारा ट्रीटमेंट निरामय में लिया। 14 दिन बाद दोबारा वो कह रहा है, क्या टेस्ट था? पेट स्कैन दोबारा कराया तो कैसा आया था? बिल्कुल कहीं भी कैंसर नहीं बचा, कहीं भी नहीं। तो एक सही से बताइएगा, ठीक है? भूल जाइए बाबा जी, यहाँ पर सही से बताइएगा, कोई चमत्कार तो नहीं? भभूति कोई ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के डॉक्टर्स तो परेशान हो गए, क्योंकि वहाँ ना वो लोग इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये पढ़ी लिखी है, क्या पढ़ी है? डाइटिशियन हूँ मैं, खुद डाइटिशियन, ऑस्ट्रेलियन डाइटिशियन। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डाइटिशियन है, इंडियन भी नहीं। तो कोई ऐसा चमत्कार तो नहीं दिखाते? सही हो जाता है चमत्कार तो नहीं? राहु भूत प्रेत डाकिनी शासिनी पिशासिनी कुछ नहीं चढ़ाते उतारते अर्पिता। डॉक्टर्स भी पूछ रहे थे ये लोग क्या करते, यहाँ का सारा जड़ी बूटी बता तो नहीं? बता दिया था, लेकिन हाँ। और देखो जैसे कैंसर है ना, ऐसे ही है एक SLE और ये MS की पेशेंट है, ये भी डॉक्टर है, क्या नाम है? डॉक्टर
डॉक्टर निर्मल जैन, इसको भी ऐसा ली था और अच्छा तो एक डॉक्टर होके एक डॉक्टर और इसके तो खुद डॉक्टर नहीं, इसका हस्बैंड डॉक्टर, इसकी दोनों बेटियां डॉक्टर, जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेजी का डॉक्टर हो तो उसको होम्योपैथी की दवा बता दीजिए तो उसको बुरा लगता है कि तुम वहाँ क्यों गए, मेरा इलाज सबसे बढ़िया। यदि डॉक्टर कैसे योग पे भरोसा हो गया, योग पे क्या, योग पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि योग से सब कुछ संभव है। आजकल जो पुराने जमाने से कहते हैं ना कि पुराने में योग को मिटा दिया, एलोपैथिक होता है, एलोपैथिक होना चाहिए, इमरजेंसी सेवा के लिए ठीक है, पर जो क्रिटिकल जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए आयुर्वेद और योगा से अच्छा करें। पर आयुर्वेद भी आप अपनी दुकान बंद करवा रही हैं डॉक्टर? नहीं नहीं, मैं बंद नहीं करती। यानी मेरा बहुत ज्यादा था, मेरा 70-80 था यानी मेरा। और कोई स्टीरॉयड नहीं लिया? मैंने स्टीरॉयड शुरू से ही नहीं लिया, पहले दिन से नहीं लिया। अपोलो में गई थी मैं सहारनपुर दिल्ली दिखाने के लिए, डॉक्टर संदीप उपाध्याय थे रूमेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर हांडा थे वो वर्ल्ड फेम के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया मुझे कि आपको तो स्टेरॉइड शुरू करना ही पड़ेगा, क्लोरोक्विन और मेथोट्रेक्सेट वगैरह दुनिया भर की दवाइयां बताई उन्होंने खानी है। मैं तो BAMS हूं, खैर मैं नहीं, मेरे बेटे बहन दोनों MBBS है। हाँ तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने यही की आप लोगों की दुकान ना बंद करवा दे, देख रहे जेनेटिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज, जेनेटिक हाइपरटेंशन वंशानुगत, इनको भी मैंने ठीक करा, ये आने रहे थे, मैंने ही भेजा है ना स्वामी जी के पास कि करो जब मैं ठीक। स्वामी जी ये गलत हो रही है, आपका क्रेडिट ले रही, कह रही मैंने ठीक किया, ये नहीं कह रही कि योग में आके ठीक, जब मैं ठीक हो गई ना तो फिर उन्हें लगा कि हाँ कुछ किया। और उसके बाद मैं तो आज तक कोई एलोपैथी दवाई खाती ही नहीं, मेरे को अगर दर्द भी, मैं अभी गिर गई थी, मेरा कंधा ठुक गया था, मैं 40 में गई मोहाली, बिल्कुल कंधा ऐसा नहीं होता था बिल्कुल, वहां जाकर जो स्पोर्ट्स वाले ऑर्थोपेडिक उन्होंने कहा कि आप एक हफ्ते के अंदर अपना अपना ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो आपका जो है, अरे हाथ उड़ने की कुछ नहीं होगा, नहीं आपका हाथ नहीं उठने का, ये हो जाएगा। मैंने बोले आपका इंश्योरेंस है, मैंने बस ये तो मामला गड़बड़ है, मैं तो घर आई, अरे अब तो बहुत दिनों में तो डेढ़ में गए, तो उसके बाद मैंने डेढ़ साल में करा ठीक है, मेरा हाथ पूरा ऐसा घूमने, मेरे हाथ पे ऐसे बाल नहीं बनते थे मेरे को, मैंने ऐसा योगा करके सारी एक्सरसाइज करी थी, मैं ढाई घंटे करती हूँ, इसने तो ढाई घंटे करती हूँ सुबह योगा, पर मैं आहार जो है, आहार मेरा सबसे बड़ा, सबको आपके लोगों को भी मीडिया के माध्यम से ये कहना है मुझे कि सबसे पहले आदमी आहार, दूसरे नंबर पर योगा, तीसरे नंबर पर नेचुरोपैथी और चौथे नंबर पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होते हैं, मान लो किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है तो ले सकते हैं, पर उसके बाद आप कंटिन्यू करिए आहार, जिसने डाइट फॉलो कर ली, जिसने डाइट फॉलो कर ली उसका कुछ नहीं हो सकता, ये मैंने तो वो बिल्कुल ठीक होगा, एसएलई ठीक करी, एमएस, इसने स्टीरॉइड कितना लेती थी? मेरा 2000 mg स्टीरॉइड चलता था, 2000 क्योंकि डोज सुनी कितनी, 2000 mg से आदमी अंधा हो सकता है, उसको शुगर हो सकता है, मर भी सकता है। 1000 mg मॉर्निंग देते थे, 1000 mg इवनिंग में देते थे, तो आईसीयू में थे, पता ही नहीं था कि वजन मेरा 45-46 रह गया था, क्योंकि वॉमिट्स बहुत ज्यादा होते थे और कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर के पास जाते थे वो कहते थे कि इसका एमएस का कोई इलाज ही नहीं है, उन्होंने बताया था 48 लाख का एक इंजेक्शन आपको लगेगा, 48 लाख का, तो घने बच गए दीदी, और उन्होंने बोला था कि आपको एक इंजेक्शन लगेगा बट हमारे पास गारंटी फिर भी नहीं है कि आप ठीक हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा यहाँ जब आई आप इतना सुनने के बाद, यहाँ गारंटी दिया कि नहीं कि बाबा की गारंटी? बाबा की गारंटी तो जब मैंने टीवी में देखा तो एक चैलेंज के रूप में इसको किया था कि यार एक चैलेंज है कि अब देखते हैं कि योगा से ठीक होगा कि नहीं, और आज मैं सबके सामने हूँ। ये चैलेंज आपको किसने जितवाया, बाबा ने योगा ने? वो मेरे कर्म गुरु है। मैंने प्रेरणा दी, कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा, और ये इनकी दोनों की 100% रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने तो और ये कोई लोग ना, दरअसल इतना अविश्वास, इतना लोगों के अंदर जो है जिसको कहते हैं ट्रस्ट का डेफिसिट कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये प्रमाण है। ये देखो ये मोटे मोटे, ये तो इसका इंसुलिन छूटा है, पार्किंसन छूटा है, क्या नाम है भी? जी विजय जायसवाल कोलकाता से। इंसुलिन कितना छूटा है? 44 यूनिट। 44 यूनिट। और पार्किंसन कब हुआ था? 2004 मेरे को पार्किंसन, हाथ हलने बंद हो गए। अभी तो नहीं हल रहे, सही है? नहीं नहीं, 20 साल ठीक है। मेरे को डॉक्टर जवाब दे दिया था, मैं बिस्तर पे था, मेरे को ब्लड प्रेशर सब ऐसा लग रहा होगा। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं आपने सबको कुछ कह के बैठा दिया है, ये भी लग सकता है ना भाई, लग सकता है कि नहीं लग सकता? मैं तो टीवी देख के ठीक हुआ, टीवी देख के। बाबा जी ने कोई मतलब ऐसे नहीं कहा ना कि भाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, अस्थमा, माइग्रेन पेन, साइनस, पार्किंसन, हीमोग्लोबिन 5.5 था मेरे को, महीने में 15 दिन बुखार रहता था। मेरे को डॉक्टर जवाब दे दिया, मेरे को डॉक्टर जवाब, टीवी वालों का कैंप लगाना पड़ेगा। अरे देखो ये कितना तगड़ा था, मेरे पास बिफोर आफ्टर का फोटो है, जैसे भैया आज बैठे ना, मेरा 172 kg वेट था जिस दिन में आप आया था, आज मेरा 110 है। मोबाइल अभी रूम पे, मतलब मैं बता सकता हूँ, और मैं बिफोर आफ्टर का फोटो बता सकता हूँ कि मतलब मेरे मैं 72 का 172, और अब मेरा 110। कितने टाइम में हुआ? 8 months, 8 महीने में क्यों? खाली 8 महीने में 52 किलो, मतलब अब 60 किलो के आसपास, 60 किलो। और 72 का वेस्ट पहनता था, आज मुझे 48 का वेस्ट आता है, और मैं नॉर्मली दौड़ सकता हूँ। कितना, क्या नाम है? रविंद्र कुमार है। कितना था? 150। अब
अब है 136। कितने दिन में? 11 दिन में। 11 दिन में 136 150 से ये यही है, घर बार छोड़ के पड़ा हुआ है कि भाई ये घटाना है, कम करके जाना है। हाँ। और ये इसको देखो, ये एकदम शेर का बच्चा। सच में कितना था? 196 था। 196 200 छोड़ने वाला था। और देखो तगड़ा इसका तो पूरा पकड़ में भी नहीं आ रहा मेरे भी। इतना बड़ा है कैसे? थर्ड है मेरे जी। और अब कितना कम कर लिया? अब मेरा 167 है। लोग कहते हैं थायराइड के कारण से वजन बढ़ता है, ओवर ईटिंग से, कम एक्सरसाइज से। अब ये देखो कम करके बैठा है। कितने दिन में कम किया? मैं एक महीना 10 दिन 15 दिन हो गए। एक महीना दस दिन। अच्छा, अब जब योगा को इतना केवल भारत में नहीं विदेशों तक में पहचान मिल गई, आपको लगता है कि अब जन जन तक पहुंच गया है योगा, या अभी कुछ ऐसा है जो और सुधार करने? तो आप जैसे आप खुद ही कह रहे थे बाबा जी ने बैठा तो नहीं रखे, इनकी सबकी क्लिनिकल रिपोर्ट है। मैं चैलेंज देता हूँ, जिसका मैंने कहा ना कि इसका ठीक हुआ है, मैं बिना ठीक हुए यदि एक आदमी, मैं कोई आज से योग करा रहा हूँ, क्या 50 सालों से योग कर रहा हूँ, 35 सालों से करा रहा हूँ, कोई एक आदमी पूरी दुनिया में बता दे कि स्वामी रामदेव ने उसको पैसे दे करके या ऐसे खड़ा होकर के भाई तू बोल देना, अरे वो टीवी वाले आएंगे अर्पिता आर्या आएगी इंटरव्यू करने के लिए, बोल देना मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। ऐसे नहीं होता है। अब ये एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस, जैसे आप ऐसे लिए हमें सुन रहे थे ना, ये दोनों बच्चों को एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस था, ये सामने बैठे हैं, और क्या हालत थी, व्हील चेयर पर आए थे मेरे पास, व्हील चेयर पर। और अभी इंजीनियरिंग करके अभी मैं MBA कर रहा हूँ, अभी MBA कर रहा है। और जब आया था तब कितना वजन था? तभी मेरा ऑलमोस्ट 51 किलो तक पहुंच गया था, मतलब ऑलमोस्ट 20 किलो ड्रॉप हो गया था मेरा। और मतलब HLB 27 ऐसी बीमारी होती है, उसमें आदमी यूं हो जाता है पूरा, आपने देखा होगा लोग ऐसे ऐसे चलते हैं ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ही चल रहा था, ऑलमोस्ट फ्यूजन तक आने वाला था। लोगों जिसका फ्यूजन था वो नहीं हो पाता, लेकिन जो फ्यूजन से पहले आ गया, मैं पहले सेफ हो गया था, लेकिन उस मेरा अटैक बहुत जल्दी हुआ, और जल्दी एकदम मैं मेरे को व्हीलचेयर पे ला लिया, तो मैं इधर आया और 2 महीना मैं इधर कंटिन्यूस लगातार था। 2 महीने रहा है? हाँ, लेकिन वो रिक्वायरी होता है। कन्नड़ वाला है, हिंदी वाला नहीं है। और तुम कहाँ से बेटा? मैं हरियाणा हिसार से। मुझे तो डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि जल्दी जल्दी शादी करवा लो, कि चले B27 बड़ी गंदी बीमारी है। शादी क्यों करवा लो? पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया कि शादी करवा लो, घर में बहू आ जाएगी, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, तो तू मर जाएगा तो बच्चे तो देख लेंगे माँ बाप। लेकिन अब जिंदा है दोनों आपके सामने खड़े हुए, और ये है कमाल का खड़ा हुआ बाबा। कितने परसेंट ब्लॉकेज थे? इसका बेटा ऑस्ट्रेलिया से आ गया, अपना पोता मेरे गुरुकुल में भर्ती कर दिया। ए बाबा के कहाँ करवाया था चेक? मैक्स में दिल्ली। मैक्स में कितना परसेंट ब्लॉकेज था? 3 आर्टरियों में, एक में 80%, एक में 90, एक में 99%, और वो छल्ला डालने की कह रहे थे, हमने मना कर दिया। मैं 20 दिन यहाँ, ये हैं 19 जनवरी 2023 की बात, 2 दिन तो वहाँ लग गए, 2 दिन पीछे मैं यहाँ आ गया, वहाँ 2 दिन बाद ही वहाँ से। हाँ, डॉक्टर ने छोड़ दिया, यूँ कहते हो तो पटाखा फूट जाएगा, चलता फिरता बम है। हाँ, वो मैंने कह दिया भाई फूटेगा तो फूट जाओ, पर मुझे पतंजलि तक पहुँचा दो। उन्होंने कुछ शायद खून निकाल कर वो ग्लूकोज चलता पतला कर दिया, खून यहाँ तक आ गया मैं। फिर स्वामी जी के चरणों में आ गया। अब कब की बात है ये? ये 2023 की बात है, पिछले साल की। अब ये अब क्या हाल है तेरा? हर उम्र कितनी है? 73 लग गया। अच्छा, जब आपको आपने ये क्योंकि आंकड़ा 80, 90, 99% ब्लॉकेज बता रहे हैं, तो डॉक्टर तो जब हल्की कुछ एक छोटी सी चीज के लिए बीमारी बताता है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के इतना डरा देता है कि अभी करा लो, अगर आग भी पानी आ जाए आग से तो कहेगा आग की रोशनी जाने वाली है। तो आपको पतंजलि पे भरोसा कैसे हुआ, मैं ये जानना चाह रही हूँ। उस समय तो डर के इंसान के डॉक्टर कहता है जो कर रहे हो कर लो। मैं योगा तो करता भी रहता था पहले भी, हाँ मेरे घर में भी है, और लपेटे में आ गया बीच में। और वहाँ एक सेकंड और लो, उन्होंने कह दिया यहाँ से तू इससे उतरा बेड से, और जब 99% बंदे कहाँ कैसे जाएगा पतंजलि, बेड से नीचे उतरा पटाखा फूटेगा, छल्ले डलवा लो छल्ले, और ना तो मरे हम नहीं कह सकते। अब इसकी हालात ये देखो, अब ये इसका अब ये दौड़ लगाता है, और अभी चक्रदंड लगाता है। बाबा चक्रदंड लगा के दिखा, ना ना लगा लगा। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। ये जिसके 99% 80% ब्लॉकेज हो, कोई माइक अलार्म लगा के दिखाए, देखो अरे इस उम्र में सही हो तब भी नहीं लगा सकता। 70 साल की उम्र है, कसूता बुड्ढा है, जवान है,
बस 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 बस, बस, बस। योग कैसे चमत्कार करता है कुछ यही तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं।